तो कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार भी जारी है। गृहमंत्री अमित शाह मिशन कर्नाटक में जुटे हुए हैं, लगातार रैलियां और रोड शो करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दक्षिण कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक के हुबली में सिलसिलेवार रोड शो और रैलियां करने के बाद गृहमंत्री आज विजयपुरा और बागलकोट और यादगीर जिलों में अपना हाई वोल्टेज प्रचार अभियान जारी रखे हुए हैं। आज बागलकोट की रैली में उन्होंने केंद्र और कर्नाटक की मुंबई सरकार के काम गिनवाने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का बोलबाला होगा। मैं यहां की जनता को अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार बनाइए। आज जो मैं भीड़ देख रहा हूं, अभी जितने लोग पेंडाल में है इससे ज्यादा बाहर रोड पर है, मैं 15 मिनट वो सबको मिलते मिलते आया हूं। मित्रों, ये भीड़ ही बता रही है कि कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। कर्नाटक को एक संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की, एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार बनी ना तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है, मेरी बात याद रखना। कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा।